वेलकम बैक टू द वीकेंड शो। अभी हमारी हसन खान से यानी कि बातचीत चल रही थी किसी टीचिंग के बारे में, तो आइए उनसे और बातें करते हैं, वो टीचिंग क्या करवा रहे थे। तो हसन, आप हमें ये बताएं कि आप अभी हम बता रहे थे टीचिंग के बारे में, तो वो टीचिंग क्या खाने की टीचिंग है या एक्टिंग की टीचिंग है या वो जो जूते मार मार के जो टीचिंग करवाते हैं कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो? नहीं नहीं, ये कोई मिलिटेंट वाली मिलिटेंट नहीं, नहीं, वो वाला जो कि मुझे मिल चुकी है काफी। मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं होती थी तो मुझे काफी मार पड़ चुकी है। अच्छा, नहीं ये जो मैंने टीचिंग जो मैंने अभी किया, मैंने क्वालिफिकेशन लिया था टीचिंग लाइसेंस के लिए, जो मुझे पार्ट टाइम करना पड़ा क्योंकि एक्टिंग के इन बिटवीन द एक्टिंग वर्क। ये ऐसा था कि जैसे मैंने आपको शुरू में जब मैंने बात किया था ना अब्दुल सितारीदी के बारे में, I believe in life there comes a calling, there's going to come a point when you know what you want to give back to the world. It's a very big statement I'm making, but I feel one person can make a difference. Can make a difference. Abdul Sitaridi taught us that. In my small contribution I want to give back to the world is I believe and I love his teachers. Whether it's my Craig Jones and in my professional field, I was taught, whether it's at home by my mum, who's been a great teacher. So in my small way, I put in my effort and I got the teaching license. And I feel that anytime I'm not going to be on set, I want to be teaching. And inspire, whether it's kids. Recently, I was teaching adults. There's a refugee crisis. A lot of Syrians, so immigrants. So you're doing charity ka bhi kaam karte hai. They come out into UK and I was working with an organization. And what we was doing is giving them ESOL training, English speaking as another language. So I was teaching that and I was dealing with refugees. And then at my old school, I would drop by to do some assemblies and some drama students that I see myself in them. And they want to see that confidence. That's right. Because for them, I would like to go in, and because it inspires them to see someone that's gone from Barking Abbey onto sets with Tom Cruise, yeah, it's a big thing. He's doing India, तो वो काफी inspired होते हैं. I like to have my excitement with the kids because I want them to believe. I think मेरे ख्याल से वैसे भी, you know, when you whatever profession is yours, whether you are actor or if you are in a different profession as well, moral support is very important. It's not about money or you know, it's not about that I'll give you money you can go, but moral support एक ऐसी support होती है जिससे यानी के काफ़ी लोगों में कॉन्फिडेंस आता है और वो यानी कि इतनी ज़बरदस्त होना चाहिए कि वो आगे बढ़ने की भी काफ़ी कोशिश करता है। लेकिन अगर मॉरल सपोर्ट नहीं होती है तो फिर इंसान का दिल नहीं करता है कि वो कोई काम करे। एंड यू नो व्हाट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइन। मैं कभी नहीं ये एक्टिंग बना के बोलूंगा कि यू नो व्हाट, एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट लाइन। आई एम डूइंग एक्टिंग, आई एम डूइंग राइटिंग, बट इट्स अ डिफिकल्ट लाइन, बट इम्पॉसिबल इज नथिंग। अच्छा हसन, अभी आपने बात किया कि एक्टिंग और राइटिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लाइन। यू नो, कभी कभी लोग कहते हैं कि सिंगर आप बन जाते हैं जब आपका दिल टूटता है तो लोग गाना शुरू कर देते हैं। जब आपका प्यार में भी दिल टूटता है या जिंदगी से कभी आपका यानी कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब आप एक्टिंग करते हैं कि आपका दिल टूटा हो इश्क में? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कभी कभी ऐसे रोल मिल जाते हैं यू नो कि ओ दिल टूटा हुआ है मेरा तो तुम्हें एक्टिंग करनी, तो मे बी फ्लैश बैक, कभी आपने मोहब्बत की और दिल टूटा तो आप वो सारे इमोशंस अपनी एक्टिंग में ले आते हैं? You know, it's, I know where you're going with it, आप तो ब्लश होना शुरू हो गए। I find it's an interesting question क्योंकि हर एक्टर का अपना अपना एक मेथड होता है, तरीका होता है, right? लोगों के में अक्सर सुनने में भी आता है कि क्योंकि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना कि यार उसका प्रोसेस क्या है जब वो ये वाला सीन करता है, अगर उसने इमोशनल सीन किया या सीरियस। मैं वो नहीं आपको बता सकता, दैट बी गिविंग अवे द सीक्रेट, मगर आई हैव हैड इनफ लाइफ एक्सपीरियंस इन मी, आई हैव सीन डेथ, आई हैव सीन लव, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड वो सारा फिर कभी ऐसा कैरेक्टर मिल जाए, एंड इन लाइफ राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लाइक अ रेनबो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल द कलर्स एंड दैट्स व्हाट आई ब्रिंग आउट इन माय कैरेक्टर्स, बट इन माय रियल लाइफ आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। वैसे भी कहते हैं द बेस्ट आर्टिस्ट इज द वन हु ब्रिंग्स हिज लाइफ इमोशंस इनटू एक्टिंग एंड राइटिंग।
They're the artists that I've always. अच्छा हाँ सर, अब तो काफ़ी बातें हो रही है. आपने बताया आप इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, आपने यहाँ गए बॉलीवुड हॉलीवुड, आपने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन मेरे शो में मेरी आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं उनका IQ लेवल चेक करूँ. तो मैं उनके साथ रिडल्स खेलती हूँ. तो मैं देखूँ अभी आपका IQ लेवल कैसा है इन रिडल्स के गेम में ना. तो मेरा आपसे पहला ये क्वेश्चन है. तो चलो आप यहाँ टीचर का रोल कर रहे हैं. अभी मैं आज आपका IQ लेवल, मगर इसमें कोई गिफ्ट नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्लैंपिंग मिलेगी. तैसे सिर्फ तालियां बजाई जाएगी और मेरी तरफ से आपको दाद मिलेगी कि शाबाश, आपको तो IQ लेवल बड़ा जबरदस्त है. चलो तो चले, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि वॉट इज दैट थिंग विच रन सो फास्ट एंड वी कैन नॉट कैच इट, वंस इट्स गॉन इट्स गॉन. टाइम. वेल डन, आपने तो पहला क्वेश्चन मेरा दे दिया जबरदस्त. अभी एक और भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है. विच एनिमल जंप्स higher than buildings? सोच के बताइएगा. Okay, buildings can't jump. So any animal can jump higher than a building. Very good. चले भाई, अब मैं आपको सिर्फ दो दूंगी, एक पहले क्वेश्चन की दाद और दूसरे क्वेश्चन की दाद. चले, वेरी गुड. अच्छा हसन, अब मुझे ये बताएं, कुछ हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि जो हमारे जो नए जनरेशन है, दे रियली वांट टू बी एन एक्टर, दे वांट टू प्रोग्रेस देमसेल्व इनटू द फील्ड ऑफ एक्टिंग, प्रेजेंटिंग और एज अ सिंगर. और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उनको काफ़ी लेट डाउन किया जाता है या उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो यू नो इस वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. तो आप क्या मैसेज देंगे हमारी जनरेशन को या हमारे जो आने वाले एक्टर्स हैं या जो एक्टिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि दे हैव टू गो ऑन द हाईएस्ट लेवल, मगर समटाइम दे रन रियली फास्ट एंड फिर वो गिर जाते हैं. तो क्या मैसेज है आपका, कैसे काम करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए इंडस्ट्री में? Well, firstly as well, I like to say is I don't believe I'm that kind of a status to be doing that. This is going out to everyone that is starting out in acting, whether you are doing acting. I'm a small man, but the little bit I have succeeded or I have worked hard in, my message to you would be just don't give up and be you. Just be real. However you are, just don't give up and be you. Alongside that, there's going to be hardship, there's going to be ups, there's going to be downs. But I would say is, don't give up. That's my very simple message. Perseverance, hard work, commitment, and you will get there, you will succeed. Agar ye ho sakta hai, to kuch bhi ho sakta hai. I'm a proof of it. And I've come from a humble beginning, from an outsider, and I'm doing it right now. And inshallah, I know. There's a level I want to reach, but I remember when I started, I used to look up and I'd be like, I want to get there. And right now, it's happening for me. But the key thing is just don't give up. Don't let anybody tell you no. You can do it. And don't let any failures upset you. My key thing is I stop looking at winning and losing. I look at it as winning and learning. So you're never going to be losing in this journey. Anytime you have a setback, you slip, you're learning. Take that learning on. And that will convert into winning. So that is my message. And I hope this little bit can go a long way. Hassan, aapne to itna pyara message diya hamare viewers ko. It was such a beautiful message. Yeah. I don't know, you know what? I'm sure ye bhi koi ek bahut hi khoobsurat scene ka message ya aapki apne jo dil ki baatein hai aapne yani ke batayi logo ko. Chale Hassan, thank you very much. It was very nice meeting you. Mujhe bahut khushi hui ki aap mere show mein aaye aur aapne itni achhi achhi baatein ki. और इंशाल्लाह आपकी काफ़ी यानी के बातों से दूसरे लोगों को भी काफ़ी यानी के मोटिवेशन मिलेगा. इफ़ हसन खान कैन डू इट, आई कैन डू इट. चलिए फिर ऐसा करते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आपसे मेरी फिर मुलाकात होती है.